हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक तकनीकी विश्लेषण श्रृंखला में, अ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज बाय डीके। फ्रेंड्स, अंडर द ट्रेड आइडिया सेगमेंट ये एपिसोड नंबर 128 है दोस्तों, और आज हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के प्राइस चार्ट पर जो मार्केट क्लोजिंग 22 जुलाई 2019 के बाद में ये एनालिसिस की जा रही है। और दोस्तों, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वीक मार्केट में क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ये टीसीएस का स्टॉक दे रहा है जिसमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और इसको प्राइस एक्शंस के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज आपके राइट साइड में सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने। एंड दोस्तों, केवल सब्सक्राइब करने से पर्पस पूरा नहीं होगा, आपको बेल आइकन को एनेबल करना होगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम एनालिसिस की शुरुआत करें उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को एक बार ध्यान से पढ़ लें। तो चलिए दोस्तों, हम प्राइस चार्ट पे चलते हैं और एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस का प्राइस चार्ट है एनएससी इंडिया पर वीकली टाइम फ्रेम में। एंड दोस्तों, ये मैंने चैनल ड्रॉ करके रखी है। सो पहले तो हम ये देख सकते हैं कि ये बॉटम का जो फाइबर है चैनल का, वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस में सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया और इस जगह पे सपोर्ट लिया, एंड फाइनली यहाँ पे सपोर्ट लेके वो रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसमें सेवरल टच पॉइंट्स हैं, तो इसे हम इस्टैब्लिश सपोर्ट लाइन बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम देखें तो ये जो अपर फाइबर है चैनल का, यहाँ एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और इस चैनल का जो मिडिल फाइबर है दोस्तों, इस चैनल के अगर हम मिडिल फाइबर पे देखें तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस हमको नजर आता है। प्राइस ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया। तो बेसिकली अगर हम रीसेंट प्राइस एक्शंस को देखें तो प्राइस इस नैरो ट्रेडिंग रेंज में मूव कर रही है। ऑल्दो ये एक राइजिंग चैनल है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके अलावा मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है दोस्तों। हम देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन, नीचे वाली लाइन को अगर हम देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इस जगह पे सपोर्ट था। सो ये दोस्तों, एंड ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस जगह पे रेजिस्टेंस था, इस जगह पे सपोर्ट था, इस जगह पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। सो दोस्तों, ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन हम इसे बोल सकते हैं, जो 1977 से 2060 तक है। अब दोस्तों, ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये लाइन अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने रिट्रेस किया, यहाँ सपोर्ट लिया, एंड वंस अगेन प्राइस ने यहाँ सपोर्ट होके रिवर्सल इंडिकेट कर रही है। ऑल्दो दोस्तों, ये वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट है, जिस वीक की शुरुआत आज हुई है, दैट इज टूडे ऑन 22 जुलाई 2019। तो अभी तक ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है। तो दोस्तों, आगे हमको इसको समझने के लिए चलिए हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को हम समझ सकें। ये दोस्तों
डेली टाइम फ्रेम में टीसीएस का चार्ट है और हम देख सकते हैं कि ये जो राइजिंग चैनल जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया था, ये मोर ऑर लेस यहाँ पर भी ये होल्ड कर रहा है। हम देख सकते हैं प्राइस ने मल्टीपल सपोर्ट लिया है ये नीचे वाले फाइबर में, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, हम अगर आगे बढ़े तो यहाँ सपोर्ट लिया और इसको और आगे बढ़े तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद अगेन ये प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर मूव कर रही है। अब दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें गौर करने वाली है कि प्राइस रीसेंट मेजर करेक्शन हुआ है जो इस चैनल के मिडिल फाइबर से करेक्ट होकर लोअर फाइबर की तरफ आया है और वहां पे इसका करेक्शन हॉल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों प्राइस आज की डेट में देखें तो एसएमए 233 के ऊपर है, एसएमए 89, एसएमए 233 के ऊपर है, तो दोस्तों इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है वो बुलिश है। नाउ इसके अलावा अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड यस ईएमए 21 ने ईएमए 55 को क्रॉस अंडर जरूर किया है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड एक मार्केट एक्सपेक्टेशंस चेंज हुआ, लेकिन प्राइस के एक्शन को अगर हम रीसेंट टाइम में अगर ऑब्जर्व करें तो यहां पर ऑब्जर्व करने से मैं इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं। यहां अगर हम गौर से देखें दोस्तों तो प्राइस ने ये करेक्शन लिया और ये सपोर्ट के ऊपर में इसका करेक्शन हॉल्ट किया और इस जगह पे जब करेक्शन ने हॉल्ट किया तो हम सब्सटेंशियल राइज इन दी वॉल्यूम देख सकते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ इंडिकेशन ऑफ एन एग्जॉशन। इसके बाद हम देख सकते हैं 19 जुलाई 2019 को जो लास्ट वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें ये डोजी का फॉर्मेशन हुआ और इस डोजी की अगर हम बॉडी को देखें तो इस कैंडलस्टिक के बेरिश कैंडलस्टिक के बॉडी के विदिन है, सो अ काइंड ऑफ बुलिश हरामी फॉर्मेशन है विच इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। नाउ इस तरह के पैटर्न का फॉर्मेशन सपोर्ट के पास हुआ है इसलिए इसका रेलेवेंस बहुत अधिक है। नाउ आज की कैंडल को अगर हम देखते हैं तो एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इस बुलिश कैंडल के फॉर्मेशन ने हम देख सकते हैं एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन किया है क्योंकि इस कैंडल का जो लो है वो इस कैंडल के लो से ऊपर है वाइल हाई जो है इस कैंडल के हाई से ऊपर है। साथ में हम देख सकते हैं इसकी जो ओपनिंग है वो इस ओपनिंग के ऊपर में हुई है। सो ऑल दीज इंडिकेशंस आर इंडिकेटिंग कि इसमें प्राइस रिवर्सल की संभावना नजर आ रही है और खास करके दोस्तों आज जब ब्रॉडर मार्केट एक बेरिश व्यू दिखा रहा था, मार्केट सेंटिमेंट्स बैड थे, उसके बाद इस स्टॉक ने आज 1.6% का क्लोजिंग बेसिस पे जंप लिया है। अब दोस्तों इसमें अगर हम फर्दर एनालिसिस को अगर हम ध्यान दें तो और ऑब्जर्व करने की वाली बात जो है वो ये है दोस्तों कि इस जगह पे प्राइस ने अपर फाइबर को टच करके जो करेक्शन लिया इसके बाद हम देख सकते हैं यहां पे ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है 1 2 3। लेट मी ड्रॉ दिस लाइन ताकि क्लैरिटी आ सके और ये मैंने ये ट्रिपल बॉटम की लाइन खींच दी। अब इस ट्रिपल बॉटम का जो अपेक्स था वो ये था दोस्तों, वहां पे भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं ये है दोस्तों। अब इसका जो है देखें तो यहां ब्रेकआउट जो हुआ वो ब्रेकआउट फेल कर गया, यहां पे हम देख सकते हैं ये जो ब्रेकआउट हुआ था इस अपेक्स का वो फेल हो गया, लेकिन प्राइस ने जो करेक्शंस लिया फर्दर ये अगेन डिमांड जोन में प्राइस आई बट प्राइस फेल हो गई लोअर बॉटम बनाने में एंड देन प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लाइन को अगेन डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया 12 अप्रैल 2019। हेंस ये रेजिस्टेंस लाइन अब बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए लॉजिकली एज पर दी प्राइस फॉर्मेशंस एंड प्राइस एक्शन, और हम देख सकते हैं वही एग्जैक्टली हुआ, ये प्राइस अपसाइड में मूव की
करेक्शन लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, प्राइस ने अगेन यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करें तो वंस अगेन इसने अपर फाइबर को चैनल के सॉरी मिडिल फाइबर को टेस्ट किया और ये देख सकते हैं हम प्राइस ने यहाँ टेस्ट किया, फिर यहाँ टेस्ट किया, तो ये डबल टॉप था। लेकिन प्राइस जब तक इसको डाउन साइड में ब्रेकडाउन नहीं होता है हम इसे ब्रेकडाउन नहीं बोल सकते हैं। सो दोस्तों ये जो सपोर्ट है अगेन प्राइस अगर हम देखें तो प्राइस सेकेंड में 2019 से इस ट्रेडिंग रेंज में मूव कर रही है और ये ट्रेडिंग रेंज आ रहा है दोस्तों 2060 से लेकर 2272 का रेंज है दोस्तों। सो अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो दोस्तों इसकी संभावना अगेन इस लेवल पे जाने की नजर आ रही है। अब दोस्तों इसमें इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस कहाँ हो सकता है उसको भी हम देख लेते हैं ताकि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिले। एक तो इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस है, हम देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस है प्राइस में जो सपोर्ट की तरह एक्ट किया और वंस अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस एक 2080 से लेके 2081 का रेंज जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो दोस्तों ओवरऑल स्ट्रक्चर है कि प्रॉब्ली ये एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए दोस्तों? एज यूजुअल हम आज के हाई के ऊपर में अपनी एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आज की एंट्री फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हाई है वो है दोस्तों 2117.45। तो दोस्तों हमारी जो एंट्री होनी चाहिए इसके ऊपर होनी चाहिए ताकि हम फॉल्स सिचुएशन को अवॉइड कर सकें। तो दोस्तों 2125 में इसको रखता हूँ सफिशिएंट कुशन देके और इसे मैं मार्क कर देता हूँ एंट्री एट दिस पॉइंट और ये हो गया 2125। नाउ द एंट्री इज फिक्स्ड, व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस? यस स्टॉप लॉस शुड बी प्रीवियस स्विंग लो के नीचे। सो फ्रेंड अवर स्टॉप लॉस कुड बी समवेयर हियर विच इज टू जीरो फाइव एट, जिसे मैं मार्क कर देता हूं स्टॉप एट 2058, which means friend we are taking risk of 2125 minus 2058। वैसे टेक्निकली देखा जाए कि अगर हम इसे पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से अगर ले रहे हैं दोस्तों सो इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमारा स्टॉप लॉस जो है दोस्तों ये जो सपोर्ट लाइन है इससे 180 आर बिलो होना चाहिए और इसका आज की क्लोजिंग बेसिस पे स्पॉट मार्केट में जो एटीआर है वो है अराउंड 45.85 से 46। सो हमारा स्टॉप लॉस टेक्निकली 46 पॉइंट नीचे होना चाहिए अगर वी आर एंटरिंग इनटू अ पोजिशनल ट्रेड। स्विंग ट्रेड है ओके दोस्त, ये स्विंग के लो के नीचे रह सकता है। नाउ व्हाट शुड बी द टारगेट? हियर आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी टारगेट एक्सेप्ट दैट वी शुड टेक प्रिकॉशन कि जब ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो हमें अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस पर फिक्स कर देना चाहिए, अदरवाइज इसकी संभावना इस लाइन को टेस्ट करने की है। अगर इस लाइन को टेस्ट करने की है जो मिडिल फाइबर है तो इसकी वैल्यू कम से कम 2300 के ऊपर आना चाहिए और अगर ये ट्रिपल टॉप बनाने का है तो भी 2270 के आसपास टारगेट आता है। सो वी कैन फिक्स अ टारगेट वन एट दिस लेवल विच इज 2272
and another target we will ride till it touches this middle fiber. Or continue to ride this trend, we never know where the trend will take us to the upper fiber, and so keep on trailing the stop loss. So friends, अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन और टेक्निकल एनालिसिस अच्छी लगी है तो दोस्तों इसे लाइक करें, थम्स अप दें एंड दोस्तों इसे अपने फ्रेंड सर्कल में एंड सोशल मीडिया पे शेयर करना ना भूलें, ताकि वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके, जो एक फ्री यूट्यूब चैनल है, इस परिवार का हिस्सा बने और उन्हें भी फायदा हो सके। एंड दोस्तों, अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट साइड में सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने। एंड दोस्तों, केवल सब्सक्राइब करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा, आपको बेल आइकन को एनेबल करना पड़ेगा सारे नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।